our next topic is classification of natural resources. First is origin basis. Based on their origin, natural resources can be divided into two main groups. Origin मतलब उनकी उत्पत्ति के basis पर, उनके grow करने के basis पर जो resources हैं उन्हें two category में divide किया गया है, biotic resources and abiotic resources. Biotic resources means natural vegetation and forest, wildlife, aquatic ecosystem of both fresh water and salt water etc. are called the biotic resources, जिसके अंदर life possible है. These are biotic resources. Next is abiotic resources. Abiotic resources include land utilized for settlement, soil for cultivation, water for survival, minerals etc. Abiotic means जो non-living things हैं वो इन abiotic resources में include की जाती हैं, जैसे land, soil, water. Next is stage of development. मतलब development के basis पर जो natural resources हैं उनका classification कैसे है. First is potential resources. Potential resources are present around us but they are not utilized properly. Potential resources जो हैं वो हमारे चारों तरफ मतलब present हैं but not utilized properly. लेकिन हम उन्हें properly use नहीं कर पाते. This may be due to non-availability of technology. अब ये किस वजह से अब हम उनको use नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास technology की कमी है. Available हमें, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की हमें नीड है वो अवेलेबल नहीं है. और मीन्स मतलब जो टेक्नोलॉजी है या मीन्स मतलब जो भी साधन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो सभी हमारे पास नहीं है. लाइक ओशनिक टाइड्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स इन अवर कंट्री कैन बी पुट टू पोटेंशियल यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल. अगर हमारे पास इन सभी को यूज करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी और जो भी मीन्स हैं वो अगर अवेलेबल हों तो हम इन वाटरफॉल्स से और ओशन टाइड से जो है हाइड्रो जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन फॉर हिज ओन यूज एंड विच आर बीइंग कंटिन्यूसली यूटिलाइज आर एक्चुअल रिसोर्सेज. मतलब वो रिसोर्सेज जो मैन फॉर हिज ओन यूज मैन ने अपने खुद के यूज के लिए डेवलप्ड किए हैं एंड विच आर बींग कंटिन्यूसली यूटिलाइज और जो लंबे समय से यूज भी किए जा रहे हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं जिनकी जिनके बारे में हमें पता है. कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. दिस कम अंडर दिस कैटेगरी. दीज रिसोर्सेज मे नॉट बी फुली एक्सप्लॉयटेड ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी. मतलब मीन्स जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें यूज़ करने फुली हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी हैं उनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते फुली. फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव अ लार्ज रिजर्व फॉर ऑफ अ कोल. जैसे कि इंडिया में कोल के जो रिजर्व हैं वो लार्ज स्केल पर हैं बट इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली. लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर सकते इकोनॉमिकली. क्यों? एज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी. क्योंकि हमारे पास उन्हें यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है. निटिकिटी ग्रिटी. साइंटिस्ट नो दैट न्यूक्लियर फ्यूजन वेयर इन द न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड इज अ पोटेंशली लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज नॉट ईयर येट क्लियर टू पीपल हाउ टू यूज इट सेफली. मतलब जो भी ये साइंटिस्ट हैं नो द न्यूक्लियर फ्यूजन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मतलब जानते हैं. वेयर इन द न्यूक्ली ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड, किसके न्यूक्ली में जो हाइड्रोजन से रिलेटेड एटम्स हैं वो उनसे मिलकर कंबाइन है, बना है, इज अ पोटेंशियली लिमिटलेस. मतलब जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो लिमिटलेस है. सो उसकी जो एनर्जी है वो लिमिटलेस है बट इट इज नॉट येट क्लियर टू पीपल हाउ टू यूज इट सेफली. मतलब उसको हम यूज क्यों नहीं प्रॉपरली कर पाते, क्योंकि जो पीपल हैं उन्हें मतलब ये हमें नॉलेज ही नहीं है कि उसको हम सेफली किस तरह से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट रिसोर्सेज इज रिन्यूएबिलिटी बेसिस. सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बाय नेचर और ह्यूमन असिस्टेड प्रोसेसेस, अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल. मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है
और कुछ ऐसे हैं जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज कंटिन्यू टू रिन्यू देमसेल्फ थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम रिसोर्सेज मतलब रिन्यू कर सकते हैं. दे कैन बी रिन्यूड विदाउट पुटिंग देमसेल्फ इनटू डेंजर फॉर देयर फ्यूचर यूज. मतलब बिना किसी डेंजर के, बिना किसी खतरे के, हम खतरे में डाले, हम उन रिसोर्सेज को जो है दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. लाइक सोलर एनर्जी एंड द एयर, वाटर, इन सभी से गेट की जाने वाली जो एनर्जी है उन सभी को हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. देयर इज नो हिडन कॉस्ट इन द रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज को दोबारा से जनरेट करने में, रीजनरेट करने में कोई भी लागत जो है हमें नहीं पे करनी पड़ती. एग्जाम्पल, वी डू नॉट हैव टू पे फॉर द एयर वी ब्रीथ और द सनशाइन दैट वार्म्स अस. मतलब जो हम एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें हमें कोई भी मनी की नीड नहीं पड़ती, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता. सनशाइन मतलब सन की जो लाइट है, उससे मिलने वाली जो हमें हीट है, उसके लिए भी हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता. और अगर हमने उसको एक बार यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा से फिर यूज कर सकते हैं. तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एग्जिस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिन्यूड. ये जो रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार हमने यूज कर लिए तो वो पूरी तरह से, अगर वो एग्जिस्टेड मतलब खत्म हो जाते हैं हमारे यूज करने के बाद, तो हम दोबारा से उसको रिन्यू या रिप्लेस नहीं कर सकते. उसके लिए हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड का वेट करना पड़ता है. सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वंस दे हैव एग्जिस्टेड वी विल हैव टू लर्न टू लिव विदाउट देम. अगर वो एक बार खत्म हो गए तो हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए के बाद ही वो हमें मिल सकते हैं, और बहुत लंबे टाइम पीरियड तक हमें उनके बिना ही जीना पड़ेगा. ब्लो इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ सम यूजफुल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम सम नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया गया है, पिक्चर दी गई है, जिसके थ्रू ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से हमें कौन सी जो है नेचर के थ्रू मिली नेचुरल रिसोर्सेज थिंग्स हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नेचर के थ्रू दिए भी जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, ह्यूमंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड. मीन्स यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ह्यूमन है फॉरेस्ट पर डायरेक्टली डिपेंड है, कि यहाँ से वो रबर, कॉटन या जो फूड है, वुड है, मेडिसन है और भी अनदर थिंग्स जो है इन फॉरेस्ट एरिया से जो है गेट करता है. ह्यूमन डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, बायोमास, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इंक्रीज लिविंग कम्फर्ट. इनडायरेक्टली फॉरेस्ट एक्ट एज क्लाइमेट कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, स्टॉर्म प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से जो ये नेचर के थ्रू दिए हुए रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड्स को डिफरेंट वे से पूरा करते हैं.